And as you can see, this is Ahmedabad. Welcome to Ahmedabad, guys. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? And welcome back to the channel. आज finally वो दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. आज हम लोग निकलने वाले हैं लद्दाख की राइड पे. एंड अभी बज रहे हैं 4. मैं 3 बजे उठा था, उठ के रेडी हो गया. अभी सब बाइक पे सामान लगाना है एंड इसके बाद निकलना है. सनी का मैसेज आ गया, वो भी रेडी हो चुका है. एंड हम लोग मिलने वाले हैं फाउंटेन होटल के यहाँ पे, यानी कि घोड़बंदर के यहाँ पे. गाइस सब रेडी हो चुका है एंड मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा सब चीज़ पैक करने में. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड मेरी मॉम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आई थी. रास्ते का हालत ख़राब है. चलो गणपति पापा मोरिया, हर हर महादेव. चल मम्मी. अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गायमुख मंदिर के इधर. चीज़ ये है कि सनी ऑलरेडी पहुंच गया है, बट वो मैकडी के यहाँ पे रुका इस बार. वो बोला कि अंधेरे की वजह से उसको लोकेशन दिखा नहीं जिधर हम लोग मिलने वाले थे. बट चलिए कोई नहीं, वो तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा. पहले तो अंधेरा है एंड दूसरा कि लाइक मेरा जो ये लगेज है उसके साथ मैं थोड़ा यूज्ड टू नहीं हूँ. इसके लिए मैं बाइक थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ अभी के लिए. बट एक बार मतलब कैसा आदत हो जाएगा, पता चल जाएगा सब, तो फिर थोड़ा भगाने में मज़ा आएगा. वैसे भी हाईवे पे तो थोड़ा स्पीड ही जाएगा. फाइनली सनी मिल गया हम लोगों को SP ढाबा. वो थोड़ा आगे आ गया था तो भी थोड़ा टाइम चैट करके निकलते हैं. गाइस हम लोग रेडी टू लीव. यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हम लोगों को लगा. रीज़न ये था कि जो लगेज था उसको बराबर से सेट करना था. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. गणपति पापा हर हर. चलो लेट्स स्टार्ट द राइड. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. ये है चाय और ये है ईरानी बन मस्का और ये है नॉर्मल बन. सनी ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको भूख लगा था. मस्त वाला नाश्ता कर लिया हम लोगों ने यहाँ से अहूरा से. अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड कुछ टाइम के लिए मैं चलाने वाला हूँ हिमालयन और सनी चलाएगा अपना डोमिनार. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ ये चीज़ सनी ने सही लगाया है, उसमें मेरा और सनी का दोनों का पेट्रोल रह जाएगा आराम से 5 लीटर का कैन. दिस इज़ गुड. ऐसा ही वेदर रहेगा अहमदाबाद पहुँचने तक तो माय गुडनेस क्या बोलना. थैंक यू सो मच भगवान. अभी हम लोगों ने फिर से स्विच कर लिया है डोमिनार पे एंड अभी हम लोग एक्चुअली आ गए हैं गुजरात में. गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया. वो सनी बोल रहा था एक्चुअली उसके थोड़े बाइक में उसको इश्यूज लग रहा है, थोड़ा सा बाइक एक साइड में खींच रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्विच किया था देखने के लिए कि क्या उसी को फील हो रहा है कि सच में ऐसा प्रॉब्लम है. तो मैंने चलाया 100 तक, मस्त था, कोई दिक्कत नहीं था. बैठने में मज़ा आया, चलाने में मज़ा आया एंड अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. बीच में बारिश भी आया था थोड़ा बहुत. सो वेदर इज़ रियली गुड एंड ऐसा ही वेदर रहेगा तो फिर क्या बोलना. अहमदाबाद यहाँ से 394 किलोमीटर्स दूर है. मैप तो लगाया नहीं क्योंकि रास्ता अपने को पता है, तो वडोदरा तक तो चले जाएंगे, आगे चल के देखेंगे. अभी सुबह के बज रहे हैं 9. अभी हम लोग फर्स्ट पेट्रोल होल्ड ले रहे हैं और गुजरात में पेट्रोल का प्राइस है 95.45. बहुत ही सस्ता है महाराष्ट्र के मुकाबले. बस काका बस 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 बस. हाँ मैं खड़ा हो गया फिर से. वो कार वाला बेचारा देख के टेंशन में आ गया. ये लोग क्या कर रहे हैं. सो गाइस अपने को अपने सब्सक्राइबर मिले हैं
हाय 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 चला ये अपने सब्सक्राइबर्स है और अपने को मिलेंगे डायरेक्ट लेह में, उनके साथ हम लोग वहाँ पे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलो नाइस टू मीट यू गाइस एंड सेफ राइड। चलो नाइस टू मीट यू। हाँ सो गाइस 5 मिनट यहाँ पर रुके थे हम लोग और रुकते ही अपने को अपने सब्सक्राइबर्स मिल गए, आप लोगों ने देखा सबसे मिले हम लोग और अभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, कुछ छूटा तो नहीं ना? अच्छा हाँ, ये ग्लव्स पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा अभी, क्योंकि नॉर्मल ग्लव्स में ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट हॉल्ट रहने वाला है हम लोगों का वडोदरा, डायरेक्ट वडोदरा में रुकेंगे। बीच में पेट्रोल के लिए रुकना पड़ा तो ठीक है, नहीं तो वडोदरा। हम लोगों ने अभी तक राइड किया है 258 किलोमीटर्स घर से लेके अब तक, और सनी अभी फुल कॉन्फिडेंस में। अभी हम लोग जिस जगह पे है उसका नाम है नर्मदा रिवर ब्रिज। तो ये है वो ब्रिज और पीछे है नदी। नदी में अभी फिलहाल के लिए पानी नहीं है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम पे रुके थे उसके हिसाब से कुछ 100-150 किलोमीटर स्ट्रेच कवर किया है। अभी हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स लेंगे, थोड़ा सा मतलब मेमोरीज के हिसाब से ये चीज़ हो जाएगा। एंड ये रही अपनी ओलिविया, अभी तक टैंक फुल है तो टेंशन नहीं है। आगे चल के वडोदरा में शायद से हम लोग का हॉल्ट रहने का प्लान है। एंड ये रहा सनी, तो सनी भी कुछ पैकिंग कर रहा है। हम लोग थोड़े से अभी पिक्चर्स लेंगे अपने इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, पर्सनल कुछ चीज़ों के लिए। तो ब्रिज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आया हूँ एंड आई रियली लाइक इट। जिस ब्रिज का मैं बात कर रहा था वो है ये ब्रिज। रात को काफ़ी अच्छा व्यू होते रहेगा यहाँ पे, बट अभी दिन में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो पीछे देखा वहाँ पे पानी नहीं था, बट ये जो आगे है उसमें हम लोगों को पानी दिख रहा है। तो आई डोंट नो, शायद से ये कुछ छोटा पैच रहेगा। सो ये रहा नर्मदा नदी। हाँ ये एक्चुअल नदी है, हाँ छोटा सा पार्ट रहेगा, बहुत बड़ा है रे। हाँ पानी भी बहुत भरा है इसके अंदर। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ से पेट्रोल डाला, एक्चुअली बहुत आगे से जाके यू टर्न मार के आए। अगर आप लोग ये साइड आते रहोगे तो एक चीज़ याद रखना, वडोदरा से थोड़ा सा आगे आओगे तो आप लोगों को आगे कुछ 15-16 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो पहले से ही पेट्रोल भर लेना, जितना अच्छा चांस आप लोगों को मिलता है उतना बेटर है, नहीं तो फिर आप लोगों को रिटर्न आना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ राउंड ट्रिप 5 किलोमीटर के आसपास गया, अभी यहीं पर रुक के हम लोग खाएँगे बहुरानी पिज़्ज़ा सैंडविच, जिधर देखते हैं, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है किधर जाना है। जैसे आप लोगों ने देखा अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे बहुरानी होटल में, और यहाँ पे जाके अभी नहीं हम लोग ने ऑर्डर दिया है 2 काठियावाड़ी थाली का। ये है काठियावाड़ी थाली राइस, ये है लसन या बटा का शायद से, ये है सेव का सब्जी, ये है दाल रोटी स्वीट छाछ और पापड़। सनी को भूख लगा था, सनी ने ऑलरेडी खाना चालू कर दिया है। खाना खा के हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैप डाल दिया है क्योंकि जो लोकेशन जाना है उसका आइडिया नहीं है हम लोग को, तो ये चीज़ बेटर रहेगा। एंड हाँ खाना बहुत बढ़िया था, 300 रुपये में
368 टोटल बिल हुआ दोनों का, बट उसमें पानी और हम लोगों ने दो एक्स्ट्रा छाछ लिया तो नॉर्मली 280 हुआ था, बट खाना बहुत अच्छा था 280 में। अभी यहाँ से बता रहा है हम लोगों को पहुँचने के लिए 6 बजे का टाइम लगेगा, 6 PM, दो घंटा है, 112 किलोमीटर है एंड बाइक का रूट ऑलरेडी डाल दिया है। सनी थोड़ा टाइम FM सुन रहा है। वडोदरा 5 किलोमीटर, अहमदाबाद 119 किलोमीटर, और हम लोगों को जो जगह पे जाना है वो है 112 किलोमीटर, अभी कम हो गया 110। अभी हम लोग एक्चुअली एंटर हो गए अहमदाबाद में, मतलब आउटस्कर्ट्स में है, और आगे से हम लोगों को लेना है राइट टर्न जो कि लेके जाएगा हम लोगों को अपने होटल की ओर। एंड मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट टारगेट रीच, फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक, एक दिन के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर के आसपास बाइक चलाया, माइलेज काफ़ी अच्छा मिला, मैं चेक कर रहा था 33 KMPL तक का, सो इट्स रियली गुड। बट अभी ये चीज़ देखते हैं कि आगे कितना अच्छा हम लोगों को मिल पाता है। एंड एज यू कैन सी दिस इज अहमदाबाद, वेलकम टू अहमदाबाद गाइस। यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ बट कभी बाइक लेके नहीं आया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। फ्लाइट से आया हूँ यहाँ पे, ट्रेन से आया हूँ यहाँ पे, बट बाइक से पहली बार आया। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर और ये है हम लोगों का रूम। तो ये हम लोगों ने लिया है सिंगल सिंगल बेड, एक सनी का है एक मेरा है। सनी गया अंदर नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, एक्चुअली एडवेंचरस भी था, बहुत सारी नई चीज़ें की और बहुत सारी नई चीज़ें जानने भी मिली एंड बहुत सारे नए एक्सपीरियंस हुए जो कि सबसे बड़ा चीज़ था। एंड हम लोगों को ये रूम बहुत ही अच्छे से मिल गया। एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था प्रॉपर्टी के वहाँ पे, छोटा मोटा कचकच, तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक चीज़, जैसे आप लोग देख रहे हो ये है हाईवे, इधर से सीधा हम लोग आगे जा सकते हैं जो कि हम लोगों को जयपुर राजस्थान की ओर लेके जाएगा। और नीचे है विजय सेल्स, जो होटल में हम लोगों को रूम मिला है उसका नाम है होटल अपोलो, और इसके लिए हम लोगों ने पे किए 1000। एक्चुअली मैंने बुकिंग किया था तो booking.com पे, जिस पे मुझे ये प्रॉपर्टी मिला था 600 रुपीज़ में, एंड ओयो पे मेरा कंफर्मेशन नहीं बता रहा था, सो अननेसेसरी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया 1000। सो कम ऑन ओयो, आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इतना चीज़ है और रूम काफ़ी अच्छा है, एसी भी है इसके अंदर, तो रात को सोने के लिए सही रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ करने के लिए ये ब्लॉग एडिट और आप लोगों को उसके वजह से कल ये देखने मिलेगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ले लद्दाख के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाला है।